हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक आईएएस। मैं मुकुल वाजपेयी। साथियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है डेली आंसर राइटिंग। डेली आंसर राइटिंग में हम लोग यहाँ पे निशुल्क रूप से पर डे एक क्वेश्चन कवर करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डे कवर करेंगे। एक क्वेश्चन में जो आज का पहला क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने पेपर वन का उठाया है। पेपर वन में भी हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो राष्ट्रवादी आंदोलन को लेकर है, राष्ट्रवादी आंदोलन और ब्रिटिश के कार्यकाल को लेकर है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। इसके बाद जो होगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे डेली का एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसके पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन है, भारत में गैर ब्रिटिश शासन से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला है जो है भारत में गैर ब्रिटिश शासन। ठीक है, गैर ब्रिटिश शासन क्या है। नंबर वन पर हमें जो पॉइंट मिला है वो है भारत में गैर ब्रिटिश शासन क्या है। राइट, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है, राष्ट्रवादियों ने इसके विरुद्ध क्या किस प्रकार प्रतिक्रिया की। तो इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे क्या कि इसमें लेकर जो राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया, राष्ट्रवादियों की क्या प्रतिक्रिया हुई है। राइट, इसके बाद हम क्वेश्चन को थोड़े और आगे बढ़ेंगे। और आगे जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भारत में ब्रिटिश शासन की बुराइयों को उजागर करने में दादा भाई नौरोजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। राइट, तो तीसरे नंबर पे हमारे जो आएगा वो आएगा दादा भाई नौरोजी की भूमिका। ठीक है, तो तीन इसमें टॉपिक कवर होंगे क्वेश्चन में। तीन टॉपिक ओवरऑल कवर होंगे जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देखने होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से लेकर कि पहले हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे। राइट, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक। सबसे पहले हमें देखना होगा इसमें कि गैर ब्रिटिश शासन है क्या। गैर ब्रिटिश शासन के बारे में आप लोगों ने ब्रिटिश शासन का नाम सुना होगा। ठीक है, गैर ब्रिटिश शासन का नाम आप लोग हो सकता है पहली बार सुन रहे हो या फिर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने ये नाम सुना होगा। गैर ब्रिटिश शासन आखिर में होता क्या है। देखो, हुआ ये है कि भारत में ब्रिटिश शासन था लेकिन दादा भाई नौरोजी जैसे पढ़े लिखे जो लोग थे वो लोग ब्रिटेन भी गए थे। ठीक है, ब्रिटेन भी गए तो जब उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में जो शासन है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शासन किया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना है वो बेहतर है। ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो मांग है, लोगों की जो मांगें हैं, ठीक है, वो पूरी हो रही हैं। लेकिन इसके विपरीत जब वो इंडिया में आए तो भारत में दादा भाई नौरोजी ने देखा है कि भारत में जो शासन है ब्रिटिश का, पहली बात तो कि जो ब्रिटिश का शासन है वो कुछ ही लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो कि कंपनी है। ठीक है, तो जो शासन है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, वो कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो नंबर एक बात ये हो गई। तो उन्होंने बोला कि ये शासन जो है वो कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। राइट, और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो ये ब्रिटिश का शासन नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि जो ब्रिटिश का शासन है वो जो ब्रिटिश में हो रहा है वैसा शासन भारत में नहीं है। जैसे जब हम वहाँ पे देखेंगे ब्रिटेन में तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो रहा है, वहाँ पे लोगों की मांगें पूरी हो रही हैं, वहाँ पे नए नए कारखाने इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, वहाँ पे औद्योगिकरण हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, दोहन। और दोहन किस तरह का, आर्थिक दोहन हो रहा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, और सामाजिक रूप से भी दोहन हो रहा है हमारे यहाँ पे। राइट, और यहाँ पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें हो रही हैं। जबकि ब्रिटेन में जो है वो ब्रिटेन में एक अलग चीज़ें हैं, जो ब्रिटेन में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इस्टेब्लिश हो रहा है, ब्रिटेन में नई नई कारखाने इस्टेब्लिश हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को
दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब थी, उनकी दादा भाई नौरोजी की किताब का नाम था पुअर्टी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। दादाभाई नौरोजी ने ये किताब लिखी अपनी, और इस किताब में काफ़ी विस्तार से बताया है, लगभग 672 पेज की ये किताब है, ठीक है। मैंने तो कुछ पेज पढ़े हैं इसके, पूरी किताब नहीं पढ़ पाई, ना ही टाइम है इतना पढ़ने का, लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगे तो जैसे कि मुझे देखना था कि अनब्रिटिश रूल होता क्या है, तो उसके लिए मैंने ये किताब पढ़ी और कुछ ही पेज पढ़े और मुझे समझ में आ गया कि आखिर में वो बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो अपना भूमिका लिखनी है, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होती है भूमिका। तो सबसे पहले हमें जो अपनी भूमिका लिखनी है, तो भूमिका में हमें बताना होगा, क्या बताना होगा, भूमिका में हमें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि भारत में जो सबसे पहले तो दादा भाई नौरोजी का उल्लेख करना होगा कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में अनब्रिटिश गैर ब्रिटिश शासन शब्द का उपयोग किया है, जिससे इनका तात्पर्य है कि ब्रिटेन में जिस तरह का शासन किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उस तरह का भारत में नहीं किया जा रहा था, और भारत में शासन करने का एकमात्र लक्ष्य जो था ब्रिटिश का वो आर्थिक लाभ कमाना था और अपना अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को लागू करना था, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन की जब शुरुआत करेंगे तो हम लोग यही लिखेंगे क्वेश्चन की शुरुआत में, भूमिका में, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन के दूसरे भाग पर। यहाँ पे आया है कि भारतीय राष्ट्रवादियों की इसकी किस तरह की मतलब प्रतिक्रिया रही है, किस तरह का रिएक्शन रहा है। तो ये जो बात हो रही है, ये हो रही है लगभग 1885 से लेके 1905 के बीच की, राइट। और इस समय पे जो हावी था वो था नरम दल, ठीक है। तो ये जो, या इनको बोलेंगे हम लोग प्रारंभिक राष्ट्रवादी, प्रारंभिक राष्ट्रवादी, ठीक है। ये लोग जो थे ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे या फिर नरम दल के लोग थे। तो इन लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया की है, इन लोगों ने गर्म दल की तरह प्रतिक्रिया नहीं की है, ठीक है। गर्म दल में आपको पता होगा, ठीक है, गर्म दल का जो विभाजन हुआ था वो बंगाल विभाजन या फिर स्वदेशी आंदोलन के बाद हुआ था, ठीक है, जब कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल में, जो कि सूरत सम्मेलन अधिवेशन की बात है। तो उसको, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, ना हमें नरम दल के बारे में लिखना है, ठीक है। हमें सिंपल लिखना है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के द्वारा इसका, गैर ब्रिटिश शासन का किस तरह विरोध किया गया, ठीक है। तो हमें पहले ये लिखना है। तो अगर हम लोग जब बात करेंगे कि आखिर में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए किस तरह की नीतियाँ अपनाई, ठीक है, तो आप लोग पाएंगे कि सबसे पहले तो ये लोग कह रहे थे कि हमें वैधानिक मार्ग पर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने कहा कि हमें वैधानिक मार्ग पर चलना है, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में हो। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार अच्छी है, ब्रिटिश सरकार जो करती है वो अच्छा कर रही है, लेकिन जो भारत में शासन हो रहा है उसका जो स्वरूप है वो ब्रिटिश शासन से अलग है, अतः हमें जो वर्तमान स्वरूप है इसको चेंज कर ब्रिटिश सरकार का जो मूल स्वरूप है जो ब्रिटेन में किया जा रहा है उसको यहाँ पे लागू करना है, ठीक है। या फिर अगर इसका विरोध करना है तो हमें वैधानिक तरीके से करना है, हमें पत्र लिखकर करना है, ठीक है, पत्रों को हमें लिखकर इसका विरोध करना है, वैधानिक मार्ग से हमें विरोध करना है, सर्वसम्मत रूप से हमें विरोध करना है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बोला है कि हमें जो इनका विरोध करना है वो प्रतिज्ञा के माध्यम से करना है, प्रार्थना के माध्यम से करना है, ठीक है, ना कि अतिवादी रूप हमें यहाँ पर अपनाना है। तो फाइनली इस तरीके से इनका विरोध किया गया, ठीक है। इन लोगों ने कई पत्र भी लिखे, किताबें भी लिखी। बेसिकली अगर देखा जाए पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो किताब है वो कहीं ना कहीं इनका विरोध करने के लिए ही किताब लिखी है, जिसमें जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे यहाँ पे आर्थिक शोषण किया जा रहा था या फिर कृषि का हनन किया जा रहा था, कृषि का लगातार ह्रास हो रहा था, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो बेसिकली इसके बारे में बात की है राष्ट्रवादियों ने, और राष्ट्रवादियों ने किस तरह विरोध किया है ये हम लोग चार पॉइंट में लिख के यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग फिर आएंगे हम लोग दादा भाई नौरोजी की भूमिका पे। दादा भाई नौरोजी ने वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हालांकि दादा भाई नौरोजी अगर देखा जाए तो वहाँ पे संसद के मेंबर भी थे, ठीक है। तो इसलिए दादा भाई नौरोजी ने अतिवादी मार्ग ना अपनाते हुए, ठीक है, उन्होंने सिंपल मार्ग अपनाया और वैधानिक रूप से इसका उन्होंने विरोध किया है।
तो सब फिर हम इसके बाद आते हैं कि दादा भाई नेहरू जी ने किस तरह की मतलब इसका उजागर किया है। तो सबसे पहले तो आपको दादा भाई नेहरू जी की जो किताब है, ठीक है, उसका नाम लिख देना है कि दादा भाई नेहरू जी ने अपनी किताब में कुछ तरीके बताए हैं जिस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा लगातार हमारे यहाँ पे भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। ठीक है, तो वो तरीके कौन कौन से, सबसे पहले तो ये है कि जो सेना की जो सैनिक की जो वेतन थी, ठीक है, वो हमारे यहाँ से दी जा रही थी, हमारे यहाँ से धनराशि ले जाकर वो सैनिकों की वेतन दी जा रही थी वहाँ पर सैनिकों की वेतन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया, इस तरीके से उजागर किया है। फिर दूसरी बात, उन्होंने क्या तरीका अपनाया है उजागर करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो ब्रिटिश सरकार है धन का बहिर्गमन सिद्धांत, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ठीक है, धन के बहिर्गमन सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारे यहाँ से जो है कच्चा माल ले जाकर, ठीक है, हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाकर ब्रिटेन से तैयार माल, यहाँ पे ब्रिटेन से जो है तैयार माल लाकर भारत को एक बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा था। ठीक है, बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा था, और यहाँ के जो हस्तशिल्प हैं या फिर जो घरेलू उद्योग हैं उनका लगातार ह्रास होता जा रहा था। ठीक है, जो हमारे यहाँ के घरेलू उद्योग हैं उनका लगातार ह्रास होता जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से दादा भाई नेहरू जी ने बताया है कि दादा भाई नेहरू जी ने बताया कि इस तरीके से हमारे यहाँ पे लगातार इनका जो है इंडिया में भारत में शोषण किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ब्रिटेन में जो है और ब्रिटेन में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था। ठीक है, मतलब कि कई बार कहा जाता है कि औद्योगिकरण में भारत का बहुत बड़ा हाथ है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में औद्योगिकरण में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो योगदान यही है कि यहाँ से धन ले जाकर वहाँ पर औद्योगिकरण या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जो वहाँ दादा भाई नेहरू जी ने यहाँ पे बताया था कि ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को उजागर किया था। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और फिर कृषि के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया था कि जो नगदी फसल है उसका लगातार वृद्धि की जा रही है, जिससे कि नगदी फसल की चूँकि बाहर के जो बाज़ार हैं उसमें वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, और हमारे यहाँ पे किसानों के लिए अधिशेष ही नहीं बचा रहता था। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो दादा भाई नेहरू जी ने उजागर की हैं। आप अगर 4-5 पॉइंट लिख देंगे उतने में आपका पूरा ओवरऑल कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको फाइनली आता है निष्कर्ष। ठीक है, इसके बाद आता है निष्कर्ष। तो फिर जब ओवरऑल आपका पूरा हो जाएगा कवर, राइट, तो उसके बाद आपको लिखना होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी आपको सारी चीज़ें लिखनी होगी कि किस तरह दादा भाई नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया है। ठीक है, और किस तरह ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारा यहाँ भारत में लगातार शोषण किया जा रहा था। ठीक है, तो फिर हम आते हैं फिर निष्कर्ष में। निष्कर्ष में तो निष्कर्ष दो पहलू पे लिखेंगे, एक तो ब्रिटिश की नीतियों के ऊपर, ठीक है, और जो दूसरा पहलू होगा वो होगा दादा भाई नेहरू जी या फिर राष्ट्रवादी नेहरू जी या फिर प्रारंभिक राष्ट्रवादी, राइट। इन दोनों पहलुओं को या दोनों आयामों को हम लोग निष्कर्ष में कवर करेंगे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई थी वास्तव में वो गैर ब्रिटिश शासन को उजागर करती थी और भारत में आर्थिक और कृषि का अत्यधिक ह्रास होता गया। ठीक है, आर्थिक शोषण होता गया। इसके साथ में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इसे उजागर करने में पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसमें निष्कर्ष भी लिख देंगे और फाइनली ये उत्तर जो है आपका वो 200 शब्दों का पूर्ण हो जाएगा। यदि आप लोग चाहें तो इसमें कोई फ्लो चार्ट वगैरह भी बना सकते हैं। फ्लो चार्ट में जैसे कि मान लीजिए आपने फ्लो चार्ट बनाया और उसमें दादा भाई नेहरू जी के आपने सारे आयाम लिख दिए कि इन्होंने कैसे कवर किए या फिर राष्ट्रवादियों की नीतियाँ लिख दी। फाइनली ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो आपको कवर करना होगा ये 200 शब्दों में कवर करना होगा, और आप लोग बीच में एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं
यहाँ पे मैप बनाने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन हाँ फ्लो चार्ट आप लोग बना सकते हैं, राइट है। फिर इसके बाद आप लोग, फिर हम लोग अगली बार कल का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल के पेपर में जो भी क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग घर पे लिख के देखिए, ठीक है, घर पे लिख के देखिए, और साथ में कमेंट में आप लोग लिख के अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। कमेंट में आपका क्वेश्चन आएगा, हम लोग आपको इसके बाद फीडबैक देंगे कमेंट में, देखते हैं कि कितने लोग कितना अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। बाकी मैंने पूरा यहाँ पर डिस्कस कर दिया, इतने ही पहलू कवर करने हैं, राइट। इसका अगर आपको PDF चाहिए हो तो फिर आप हमारे जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, तो आपको इसका मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। हमारा जो 9899-2821-07 जो हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, यदि आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर देंगे तो आपको इस क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से आंसर भी मिल जाएगा, और साथ में अगर आप लोग चाहें तो इस नंबर पर अपना क्वेश्चन लिख के भेज भी सकते हैं, तो हम लोग आपको फीडबैक प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। 9899-2821-07 पे आप लोग ये क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, तो हम आपको फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे और साथ में इसका मॉडल आंसर भी दे देंगे। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम लोग डेली जो डिस्कस करें उसके साथ आप भी लगातार जुड़े रहें। बाकी हम लोग करंट अफेयर्स की वीडियो की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी इसमें कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।